assalamu alaikum dear students i hope you all will be well dear students टूडे आई आम गोइंग टू कवर वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेट द वर्ड इज़ टू मच विद अर्स बाई विलियम वर्ज वर्थ डिस आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ एक मोस्ट फेमस सोनेट जिसे लिखा है विलियम वर्जबर्थ ने द वर्ड इज टू मच विद अर्स डिस रोमांटिक मूवमेंट के बाद रेवोल्यूशन टाइम पीरियड के बाद की ये पॉइम है यानी इस टाइम पीरियड में बहुत रेवोल्यूशन आया हुआ था सो फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसकी वजह से विलियम वर्स वर्थ ने ये पॉइम लिखी ये सोनेट लिखी इस सोनेट में वो मटीरियलिस्टिक वर्ड की बात कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं इसकी लाइन एनालिसिस शुरू करते हैं आज अपने अपनी द वर्ड इज टू मच विद अस लेट एंड द वर्ड इज टू मच विद अस अब इसके डिफरेंट मीनिंग है इस फर्स्ट लाइन के ओपनिंग लाइन की ये दुनिया हम जैसे इंसानों से भरी हुई है पहला मतलब ये हो सकता है मीनिंग कि दुनिया हम हम जैसे इंसान से भरी हुई है सेकंड हो सकता है कि दुनिया हम से परेशान हो चुकी है थर्ड हो सकता है कि हम मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं हम मटेरियलिज्म में टोटल घुस चुके हैं पहले भी एंड अब भी कि पहले भी हम मटेरियलिस्टिक थे अब भी हम मटेरियलिस्टिक हैं आगे भी हम मटेरियलिस्टिक होंगे पहले भी ये दुनिया हम इंसानों से भरी हुई थी आगे भी इंसानों से भरी हुई होगी सो so, पहले भी हमने दुनिया को परेशान कर रखा था और अब भी दुनिया हमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और आगे भी होगी सो so, इस तरीके से गेटिंग एंड स्पेंडिंग हम कमाते हैं और खर्च करते हैं वी ले वेस्ट और पार्स हम अपने पार्स को वेस्ट कर रहे हैं हम अपने पार्स को ज़ाया कर रहे हैं लिटिल वी सी इन नेचर हम बहुत कम नेचर को देखते हैं क्यों क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं दैट इज़ और जेने जो हमारा है हमारे नेचर के साथ रिलेशन है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं हम नेचर को नहीं देखते हैं हम नेचर को बहुत कम देखते हैं नेचर में जो चीज़ें हम बहुत कम देखते हैं हम ज्यादा चीज़ें किसके पैसे के पीछे घूम रहे हैं और पैसे कमाने के ही लत में जो है वो लगे हुए हैं वी हैव गिवन आर हर सभी हमने अपना दिल जो है वो साइड पे रख दिया है सॉ बोन जो कि एक गलत एक्ट है यानी एक रॉन्ग वे है हमने अपना जो दिल है उसको क्या कर दिया साइड पर रख दिया है क्यों क्योंकि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस आर दैट बेयर्स हर बॉसम्स टू द मून दिस ई ये समंदर दैट बेयर्स जो नंगा है हर बॉसम अपने चेस्ट को टू तो द मून चाँद के सामने और समंदर ने चाँद के सामने चेस्ट को नंगा रखा हुआ है जैसे कि एक मदर अपने फीड करने के लिए बेबी के लिए जो है वो चेस्ट को बेयर करती है इसी तरीके से समंदर ने भी मून को uh, के सामने जो है वो ऐसे किया हुआ है द वियंडट विल भी हॉलिंग एट ऑल आर्स और जो हवा है वो हॉल करती रहती है चलती रहती है तमाम घंटे ऑल आर तमाम घंटे जो है वो चलती रहती है एंड आर अप गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लॉर अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जो समंदर है जो हवाएं सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं जैसे कि एक स्लीपिंग फ्लावर होता है जैसे कि आ, सोता हुआ जो फ्लावर है स्लीपिंग फ्लावर की तरह हाँ समंदर हवा ये सब क्या हो गए इकट्ठे हो गए फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून लेकिन इसके लिए और सब चीज़ों के लिए हम धुन से बाहर हैं हम क्यों धुन से बाहर हैं क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं हम मटीरियलिज्म वर्ल्ड में आ चुके हैं टोटल मटीरियल के पीछे भाग रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड इट मूव्स ये हमें मूव नहीं कर सकते यानी ये जो भी चेंजेस आ रही है नेचर के अंदर हमारे नेचर के साथ इतनी अट्रैक्शन नहीं है यानी इन चीज़ों का हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा ग्रेट गॉड ग्रेट खुदा आई आई रदर बी आई हैड rather be लाइक like मैं बनना चाहता हूं a pageant, एक pageant। इससे बेहतर है कि मैं pageant बन जाऊं पैजेंट क्या होता है ये मतलब ना ही क्रिश्चियन पर बिलीव करते हैं ना ही हिंदी पर बिलीव करते हैं ना इस्लाम पर बिलीव करते हैं लाइक एक नेचर से अटैच है। कहते हैं परवान चढ़ना परवरिश करना यानी मैं पेजन में पलना बढ़ना चाहता हूँ अभी कौन चाह रहा है पोइट सो माइट स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ले मतलब मैं जब पैजेंट बन जाऊंगा या पैजेंट होगा मैं स्टैंडिंग मैं खड़ा खड़ा हो रहा हूँ कहाँ पर एक प्लेजेंट ले के अंदर यानी एक प्लेजेंट खुशगवार घास के ऊपर हैव है और मैं निगाह डालूंगा दैट वुड मेक मी लेस फॉर लॉन और वो एक निगाह जो होगी ना इन प्लेजेंटली के ऊपर खड़ा होकर जो मैं एक निगाह डालूंगा एक ग्लिम्स डालूंगा उससे जो मेरी फॉर लॉन है मेरी तन्हाई है वो क्या हो जाएगी लेस हो जा हो जाएगी वो कम हो जाएगी हैव साइट ऑफ अब उनकी तनहाई कैसे कम हो रही है वो अब ये बता रहे हैं कि वो प्लेजेंट क्यों कैसे होगा वो मोमेंट वो बताता है हैव साइट ऑफ अ प्रोथियस राइजिंग फ्रॉम द सा अब ये प्रोथियस कौन थे ये गॉड थे पेजन के कि मेरी एक निगाह पड़ेगी किसके ऊपर प्रोत्स के ऊपर जो कि समंदर से बाहर निकलेगा ठीक है यानी जब वो गॉड है वो समंदर से बाहर निकलेगा तो मेरा उसके ऊपर निगाह पड़ेगी और हेयर ओल्ड रेटन ब्लो हिज रिदर्ड और सो ये रेटन कौन थे ये भी पेजन का गॉड था ब्लो हिज विधर्ड हॉर्न और मैं सुनूंगा किसके ट्रेटन के हॉर्न यानी वो जो आ, वो बजाते हैं ट्रीटन और बजाता है सो वो भी मैं सुनूंगा और प्रोथेस को समंदर से बाहर आते भी देखूंगा अब ये बिलीव है कि पेजन के दो गॉड जो है प्रोथियस और ट्रेटन प्रोथेस क्या कहते हैं ये फ्यूचर के बारे में बताता है जो है ये फ्यूचर के बारे में बताता है ट्रेटन क्या करता है ये अपने जो समंदर है समंदर को खामोश करता है किसके थ्रू अपने ऑन के थ्रू यानी वो जो ऑन बजा रहा होता है उसके थ्रू समंदर को क्या करता है खामोश कर रहा होता है सो तो ये दो पेजन के गॉड है सो डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल इस सोनेट के अंदर क्या कहना चाह रहे वह चाहते हैं कि लोग मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन था इंडस्ट्रियल uh, रेवोल्यूशन था तो लोग जो है वो बिल्कुल uh, इंडस्ट्री की तरफ भाग रहे हैं सिटीज की तरफ मूव कर रहे थे सो so, वो इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि लोग जो है वो नेचर से बहुत दूर हो चुके हैं उनका नेचर से कोई वास्ता ही नहीं रहा वो ज्यादा ज्यादा पैसे के पीछे घूम रहे हैं वो पैसा कमाते हैं और खर्च करने में लगे होते हैं लाइक उनकी कोई और लाइफ नहीं है नेचर से कोई अटैचमेंट नहीं है सो डेयर आई होप आप क्लियर हो गई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो